किसके साथ काम करना चाहते हैं राजमौली? क्या राजमौली फिर से मेगा बजट फिल्म बनाने वाले हैं? महेश बाबू की किस्मत क्यों खुलने वाली है? हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में और मैं हूं आपके साथ अनुष्का त्यागी। साउथ की फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस को एकदम हिलाकर रखा हुआ है। अभी हाल ही में बड़े पर्दे पर आई एसएस राजामौली की फिल्म RRR लेकर कई दिनों से चर्चा में चल रही है। इस फिल्म के हिट होने के बाद राजामौली काफी खुश नजर आ रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक पार्टी भी रखी थी और अब इसी बीच RRR के दूसरे पार्ट को लेकर खूब सारी खबरें चल रही हैं। इन सारी अफवाहों के बीच राजामौली ने अपनी अगली फिल्म और उसके सुपरस्टार को लेकर खुलासा कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन है वो सुपरस्टार जो राजामौली की अगली फिल्म में नजर आने वाले हैं। साउथ के जाने माने डायरेक्टर एसएस राजामौली के बारे में कहा जाता है कि वो जिस फिल्म को हाथ लगा दे वो हिट हो ही जाती है। इसी बीच उन्होंने अपनी आने वाली फिल्मों को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान बताया, हमने कुछ विचारों पर मंथन शुरू कर दिया है। महेश बाबू के लिए मेरे पास अभी कुल 2 पिच है। ये दोनों ही बहुत एक्साइटिंग है और लार्ज स्केल फिल्में हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि साउथ के सुपरस्टार एक्टर महेश बाबू ने कई एक्शन फिल्मों में काम किया है। वो एक फेमस एक्शन हीरो हैं और एसएस राजामौली की बात से ये लग रहा है कि वो फिर से एक मेगा बजट फिल्म बनाने वाले हैं। राजामौली इससे पहले बाहुबली और बाहुबली 2 जैसी बड़ी बजट की फिल्में भी बना चुके हैं। रामचरण और जूनियर NTR की लीड रोल वाली फिल्म RRR इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है। आपको बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली ही हैं और उनकी ये फिल्म RRR बॉक्स ऑफिस पर जल्द ही 1,000 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाली है और ये बताया जा रहा है कि राजामौली अब RRR का पार्ट 2 भी लेकर आने वाले हैं। इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही बन रही है हमारे साथ और देखते रहिए बॉलीग्राड स्टूडियोज। हमारी आज की राइटर है मनीषा जैन।